नमस्कार दोस्तों, सीआईडी एकेडमी जौनपुर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, संतोष सर। आइए आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर एनालॉगी यानी सादृश्यता के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखें आप सभी लोग, सादृश्यता होता क्या है। सादृश्यता को हम समरूपता या एनालॉगी के नाम से जानते। सादृश्यता मतलब होता है सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। समानता को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो हमारे पास जो होती है आधारभूत और दूसरी जो होती है विकसित। यानी पहली हम बेस करेंगे आधारभूत और दूसरी जो होती है विकसित समानता। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी दिए गए टॉपिक में रिलेशन डायरेक्ट दिखाई देता है तो उसको हम आधारभूत रिलेशन कहते हैं, और किसी टॉपिक में अगर डायरेक्ट हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसको हम विकसित एनालॉगी कहते हैं। जैसे अगर हम ए का संबंध बी से देखें और सी का संबंध डी से देखें, तो ए का रिलेशन जो बी से दिया गया है वही रिलेशन आपका सी से देखकर डी से पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क करके। और यदि यही रिलेशन आपका ए अपॉन बी के रूप में दिया गया है और सी अपॉन डी के रूप में दिया गया है, तो ए का रिलेशन सी से देखते हैं और बी का रिलेशन डी से देखते हैं। यानी हमारे रिलेशन की कंडीशन जो होती है वो बदल जाती है। जब रिलेशन की कंडीशन बदल जाती है तो हम बेसिक तौर पर क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों से आंसर को टेली करने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन अगर करते हैं तो तीन तरीके से समानता एनालॉगी में क्वेश्चन बनते हैं। इनको आप देख सकते हैं, मैं एक बार हट जाता हूँ, एक बार आप चाहें तो इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम दूसरे टॉपिक का डायग्राम बनाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है सामान्य ज्ञान से परिचित होता है। दूसरा जो होता है आपका वर्णमाला बेस्ड होता है, और तीसरा जो होता है गणितीय बेस्ड, यानी गणितीय तर्क पर बेस्ड होता है। सिंपल भाषा में बात करें तो हम जनरल स्टडी बेस्ड जो अनलिमिटेड होती है, और दूसरा अगर हम बात करें तो अल्फाबेट बेस्ड, और तीसरे पे करें तो मैथमेटिक्स बेस्ड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सामान्य जीएस में देशों की राजधानियों के बारे में, मुद्रा, शहरों का संबंध, व्यक्तियों का व्यवसाय, कार्य प्रणाली, गुणों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों का एक समूह आपको यहाँ पर समान जीएस में देखने को मिलता है। आप जितना ज्यादा ज्यादा इन टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे जीएस के माध्यम से, वैसे ही आपका ये चैप्टर, ये पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अब हम लोग आते हैं अल्फाबेट टेस्ट पे, कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। देखें जैसे अगर हम बात करें अल्फाबेट पे तो इसका एक लिमिट दायरा होता है, और अगर इस दायरे के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे 26 लेटर अल्फाबेट में आते हैं। केवल सारा खेल 26 लेटरों का ही होता है। अगर हम 26 लेटर के बारे में बात करें तो उनकी प्लेस वैल्यू अगर हमें याद है
तो जनरली एनालॉगी के सारे प्रश्नों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें रिलेशन जो भी दिया होता है दिए गए प्रश्नों से हम दिए गए ऑप्शनों को टेली करते हैं, और संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा होगा तो हम अल्फाबेट के कोडिंग को तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में भी डिस्कशन कर देंगे। अब देखें, अगर हम अल्फाबेट के बारे में बात करें तो अल्फाबेट टू टाइप्स के होते हैं। पहला वाला जो अल्फाबेट होता है ए टू एम के बारे में फर्स्ट पार्ट के रूप में होता है, और सेकेंड पार्ट जो होता है एन टू जेड के रूप में होता है। फर्स्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 13 लेटर्स आते हैं और सेकेंड पार्ट में भी 13 लेटर आते हैं, और इन दोनों लेटरों की एडिशनल वैल्यू अगर हम देखें तो 27 होती है। और अगर 27 लेटर बनते हैं तो हमारा संभवतः सारे ही लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर अगर हम लेटरों की वैल्यू को याद कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास अल्फाबेट के दूसरा जो रोल आता है वो आपका आ जाता है स्वर और व्यंजन के रूप में। अगर कोई भी चीज अल्फाबेट दिया हुआ है तो अगर हमें इस तरीके का दिया हो तो स्वर और व्यंजनों के रूप में भी हम अल्फाबेटों को देखते हैं। स्वरों की संख्या के बारे में बात करें तो 5 होती है, रिमेनिंग जो होते हैं हमारे पास 21 लेटर्स व्यंजन के रूप में होते हैं। तो व्यंजनों को ना तैयार करके हम लोग स्वरों को ध्यान में देते हैं, इस वजह से वो हमारे पास ए ई आई ओ और यू के रूप में देख लेते हैं। तो हम अगर इनकी प्लेस वैल्यू तैयार कर ले तो सभी प्रश्नों को चर्चा कर लेंगे। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है मैथमेटिक्स रिलेटेड, इसको आप सब देख पा रहे होंगे। मैथमेटिक रिलेशन में सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, नंबर सिस्टम चैप्टर जो मैथ्स का है थोड़ा सा आप अगर उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे संख्याओं का परिचय हमें होना चाहिए, इसके साथ साथ में वर्गमूल का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए और घनमूल का ज्ञान होना चाहिए। यानी हम बात करें तो स्क्वायर और क्यूब के बारे में तैयार कर लें, और संख्याओं का परिचय कौन सी संख्याएं हमारी सम है विषम है रूढ़ है परिमेय है अपरिमेय है, अगर संख्याओं के बारे में हमें नॉलेज है तो हम सारे प्रश्नों को देख पाते हैं। ओके, तो हमने इस चैप्टर के बारे में परिचय किया। अब मैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर देखता हूँ कि किस तरीके से हम कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, आइए क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखें, ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है, वही संबंध कीनिया का किससे होगा, कीनिया का किससे होगा। वहां पे आपके चार विकल्प दिए होते हैं इसलिए हमें विकल्पों को ध्यान में रखना होता है, जैसे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी। हम यहाँ पे नरोबी लिख लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन मान लीजिए हमारे पास दिया होगा उसको कोलंबो या लिस्बन, कोलंबो लिस्बन और टोक्यो, इस तरीके से चार विकल्प होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिलेशन देखना होता है। रिलेशन मतलब समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ए के रूप में मैंने पार्ट बताया था और ये बी के रूप में पार्ट बताया था, ये सी के रूप में बताया था और मैंने ये आपको डी के रूप में बताया था। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी आधारभूत मेथड के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से क्या है, तो ये इसकी कैपिटल्स है यानी राजधानी, और इसी तरीके से हमें केन्या के बारे में पता होना चाहिए कि केन्या की कैपिटल क्या है या राजधानी क्या है। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो अगर हमें आता है तो बेटर, नहीं आता तो दिए गए विकल्प में से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन कौन से विकल्प की कैपिटल्स पता है, फिर उनमें से जो रिमेनिंग बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे हम बात करें कोलंबो, तो ये आपका श्रीलंका की राजधानी है सभी को पता है, और टोक्यो के बारे में बात करें तो हम सभी को पता है ये जापान की कैपिटल है। अब हमारे पास दो ऑप्शन फाइंड आउट हो जाते हैं, बच गया हमारे पास नरोबी और लिस्बन। तो अगर इस तरीके से हमें दो आंसर मिल जाते हैं तो हम गेस करते हैं तो हमारा आंसर 95% आंसर की तरफ हम सही जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए लिस्बन के बारे में आपने नहीं सुना है तो आपने नरोबी के बारे में जरूर सुना होगा, तो केन्या की कैपिटल हमारी क्या होगी, नरोबी होगी, और इसका हमारा आंसर नरोबी ही होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो महत्वपूर्ण हमारे देश है जिससे भारत के अच्छे संबंध है
उनकी राजधानियों के बारे में तैयार करना होगा, जो मैं आप सभी को किसी न किसी टॉपिक के माध्यम से या जीएस के माध्यम से आपको कैपिटल्स के बारे में बता दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे प्रश्न पे चर्चा करते हैं, वर्णमाला बेस्ड प्रश्न पर। देखिए, वर्णमाला का एक प्रश्न मैं लेता हूं, जैसे दिया गया आपका एन क्यू का संबंध है एस और वी से, तो वही संबंध आपका दिया गया है डी और जी का इससे होगा। इस वक्त आपके पास दिए गए विकल्प में आपके आंसर आने चाहिए, तभी हम सही आंसर को समझ पाएंगे। ऑप्शंस आपके मैच कर जाते हैं जनरली, परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, बट लेकिन आपको कोडिंग पता होना चाहिए अक्षरों की। और हमारा थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है आई और एल दिया गया है, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा एच और ए है। ये प्रश्न के ऑप्शंस और आपके जो भी प्रश्न होगा वो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर दिया होगा, तो इसको आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम एन और क्यू और एस और वी में क्या रिलेशन है, वही हमें डी और जी का रिलेशन निकालना होगा। अगर हम एन की बात करें तो 14 इसकी कोडिंग होती है, और इसके बारे में अगर बात करें तो 17 कोडिंग होती है, इसके बारे में बात करें तो इसकी कोडिंग 19 होती है, और इसकी कोडिंग हमारी 22 होती है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका रिलेशन जो बन रहा है 14 से यहाँ पे 19 हो रहा है तो प्लस 5 हो रहा है, और अगर यहाँ पे देखें 17 टू 22 हो रहा है तो इसमें भी प्लस 5 हो रहा है। यानी हमें एक रिलेशन मिला कि n से हमारे पास s होने में कितना हो रहा है प्लस 5, तो ये सीरीज लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, तो प्लस 5 या +1 +2 या +3 कुछ भी कोई ना कोई आपको रिलेशन मिल ही जाता है। अब हम इसमें देखते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी 4 होती है, इसकी वैल्यू 7 होती है। अगर हम इसमें एडिशनल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 5 ऐड करते हैं तो आपका 4 + 5 कितना हो जाता है 9, और 9 जो हमारी कोडिंग हो जाती है वो किसकी हो जाती है, आई की। तो दिए गए विकल्पों में हम टेडी करते हैं कि आई कहाँ पर आया हुआ है, तो अगर हमारे एक ही ऑप्शन में आई है तो हम आंसर को डन कर देते हैं, अगर नहीं है तो हम फिर आगे सीरीज में बढ़ते हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास बी और सी में, अब हम आगे की कोडिंग जी से देख लेते हैं। अगर जी से बात करें तो 7 दिया हुआ है, 7 में 5 ऐड करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है 12 बन जाता है, यानी 12, और 12 हमारी कोडिंग जो होती है वो किसकी होती है, 12 जो कोडिंग होती है एल की, और दिया गया विकल्प आप देखें तो आई एल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, और हम ऐसे प्रश्नों के आंसरों को कोडिंग करके करते हैं। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैं रफ करना चाहता हूं इसको। थर्ड क्वेश्चन है हमारा दिया गया है 22 का रिलेशन है 1 to 6 से, तो वही रिलेशन आपका जो पूछा गया है 48 से पूछा गया है, इस बार क्या होगा। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के प्रश्न होते हैं तो हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न दिया हो तो दिए गए विकल्पों में आंसर मैच करना चाहिए जो हम आंसर निकालते हैं। तो दिए गए हम ऑप्शंस को ले लेते हैं तो क्वेश्चन जल्दी लग जाता है आपका। पहला विकल्प दिया गया 60 और दूसरा विकल्प दिया गया 192 एंड तीसरा विकल्प दिया गया आपका 240 और थर्ड विकल्प दिया गया है 344। अब यहाँ पे हमें रिलेशन देखना होगा, तो सबसे पहले नंबरों को देखने से हमें ये पता चलना चाहिए कि नंबर हमारे क्या कहीं स्क्वायर या क्यूब में तो नहीं बने। अगर स्क्वायर क्यूब में बने हैं तो वहां पे प्लस या माइनस का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलता है, और उस डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके हम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर हम दूसरे तरीके को अप्लाई करते हैं, क्या संख्या भाज्य है, अभाज्य है, रूढ़ है, परमेय अपरमेय है, सम है, विषम है, इत्यादि तरीके से हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखें 22 दिया गया, तो हम देख सकते हैं 5 का स्क्वायर करें और -1 करें तो हमारे पास क्या 24 बन जाएगा, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि 5 का अगर हम क्यूब करें और +1 कर दे तो हमारे पास 126 यानी 126 बन जाता है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया कि हमारे पास क्या दिया गया 5 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 5 का क्यूब +1 दिया गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी फाइंड आउट हो गया है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, ये 7 के बारे में अगर हम बात करें तो 7 का स्क्वायर -1 कर दें तो 48 आ जाता है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 का क्यूब +1 कर देंगे तो हमारे पास इकाई के स्थान को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है, और इसमें अगर हम 1 ऐड करें
आपका फोर हो जाएगा इकाई के स्थान पे। तो दिए गए विकल्पों में देखें, इकाई के स्थान पे फोर एक ही ऑप्शन पे दिया गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3/4।